आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर. जिला पालक मंत्री सतीश जारकीहोली और लक्ष्मी हेब्बालकर विजयनगर के संरक्षक मंत्री. ट्विटर ने एक बार में 25 लाख भारतीय अकाउंट बैन किए. महापौर द्वारा तुरमुरी कचरा डेपो का निरीक्षण. ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 233 हुई. शहर उपनगर में वट पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई. मोहन भागवत का स्पष्ट कथन कि भारत में इस्लाम सुरक्षित है. एज ए साइंटिस्ट आई वॉन्ट टू से समथिंग. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है. बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ. हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए. दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है. बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता. 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देश अभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है. जनगण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना है. जय है करके हम सभी को चिल्लाना है. जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है. अगले सोमवार को अमावस है. मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे. हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुप कर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं. सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है. Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से. लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली को अंततः बेलगाम जिले के संरक्षण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि बेलगाम ग्रामीण विधायक और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को विजयनगर जिले के संरक्षण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है. यह आदेश आज शनिवार सुबह बेंगलोर से जारी किया गया. सभी 31 जिलों के पालक मंत्रियों की घोषणा कर दी गई. इसके अनुसार बीजापुर के संरक्षक मंत्री के रूप में MB पाटिल, बागलकोट के संरक्षक मंत्री के रूप में शिवानंद पाटिल और कारवार के संरक्षक मंत्री के रूप में मनकालू वैद्य की नामों की घोषणा की गई है. संतोष लाड को धारवाड़ जिले के पालक मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वरिष्ठ मंत्री KJ जॉर्ज बेंगलुरु के पालक मंत्री होंगे. ट्विटर ने एक बार में 25 लाख भारतीय अकाउंट बैन किए.
भारत में ट्विटर यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है। ट्विटर ने करीब 25 लाख ट्विटर अकाउंट बैन कर दिए हैं। इन अकाउंट्स को कंपनी ने मार्च से अप्रैल के बीच बैन किया है। कंपनी ने अपनी मंथली रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। ट्विटर ने कहा कि 26 मार्च से 25 अप्रैल के बीच उसके बाल यौन शोषण और अश्लील सामग्री फैलाने के साथ साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लगभग 25,51,623 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्विटर की मंथली रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है, जो भारत के एक नए आईटी नियम 2021 का एक हिस्सा है। नियमों के मुताबिक 25 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हर महीने रिपोर्ट देनी होती है। 26 मार्च से 25 अप्रैल के बीच ट्विटर को भारत से केवल 158 शिकायतें मिली। इनमें से अधिकतर शिकायतें दुर्व्यवहार या उत्पीड़न, संवेदनशील वयस्क सामग्री, घृणित सामग्री और मानहानि से संबंधित थी। महापौर द्वारा तुरमुरी कचरा डिपो का निरीक्षण। महापौर शोभा सोमनाथ और उपमहापौर रेशमा पाटिल ने नगर सेवकों और अधिकारियों के साथ तुरमुरी में नगरपालिका अपशिष्ट डेपो का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने प्रोजेक्ट की तकनीकी जानकारी ली। साथ ही नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कलादगे और कचरा डेपो परियोजना के अधिकारियों ने महापौर और उपमहापौर को कचरा डेपो में रोजाना आने वाले कचरे और उसके प्रसंस्करण के चरणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मेयर शोभा सोमनाथ की डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल ने कचरा डिपो का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को सावधानी से काम करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सत्ता पक्ष की नेता राजश्री कर, पार्षद श्रेयस नाकाड़ी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कलादगे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 233 हुई। कल शाम 6:51 पर ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। यह देश में अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेन के कई डिब्बे पलट गए। 7 डिब्बे पलट गए, 4 डिब्बे रेलवे स्टेशन से रवाना हुए, कुल 15 डिब्बे पटरी से उतरे। इस दर्दनाक और भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या 233 पहुंच गई है। साथ ही हादसे में अब तक 900 यात्री घायल हो चुके हैं। कल से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। शहर उपनगरों में वट सावित्री पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर, उपनगर और ग्रामीण क्षेत्रों में वट सावित्री पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सौभाग्य की गुफा लेकर पारंपरिक वेश में महिलाओं ने वड़ के पेड़ की पूजा की। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यवान और सावित्री युगल के जीवन में एक दिन के रूप में वट पूर्णिमा को आधुनिक युग में समान रूप से पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पहली परंपरा प्रकृति की संस्कृति से जुड़ी है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सुवासिनी अपने पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए यह व्रत लेती है। मोहन भागवत का स्पष्ट कथन कि भारत में इस्लाम सुरक्षित है। सर संघचालक मोहन भागवत पिछले कुछ महीने से लगातार देश में धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक सद्भाव की बात कर रहे हैं। सर संघ संचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर के रेशिमबाग मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष के संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में बोलते हुए देश में धार्मिक स्थिति और हिंदू मुस्लिम एकता पर विस्तार से अपनी बात रखी। इस मौके पर उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं के साक्ष्य भी दिए। मोहन भागवत ने अपना मत व्यक्त किया कि देश के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। कुछ संप्रदाय बाहर से आए थे, उन्हें लाने वाले बाहरी लोगों से हमारी लड़ाई हुई, लेकिन अब वे आक्रामक बाहरी लोग चले गए हैं। अब सभी अंदरूनी हैं, इसलिए उन बाहरी संबंधों को भूल जाओ और इस देश में रहो, ऐसा उन्होंने इस वक्त कहा। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243577। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो, आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000 अधिक स्थळे उपलब्ध, कर्नाटक महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कांग्रेस कर्नाटक में मतदाताओं से किए गए सभी 5 वादों को लागू करेगी। कांग्रेस के सभी 5 चुनावी वादे चालू वित्त वर्ष में ही लागू कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के सभी वादे पूरे किए जाएंगे। कल हुए कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि हम 5 ने आज कैबिनेट की बैठक की, हमने सभी 5 वादों पर गहराई से चर्चा की, हमने तय किया है कि सभी 5 गारंटी चालू वित्त वर्ष में लागू कर दी जाएगी। हमने गृह ज्योति की पहली गारंटी दी, हमने सभी को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की कि उस घर को 12 महीने के औसत के आधार पर मुफ्त बिजली देने का फैसला किया गया है। आदर्श योग समूह द्वारा वर्षगांठ समारोह, आदर्श नगर राम कॉलोनी के आदर्श युवा ग्रुप द्वारा 3री वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर अध्यक्ष विलास घाड़ी ने भगवान श्री रामचंद्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित। आदर्श योग ग्रुप डॉक्टर मृगेंद्र और गोपाल मिर्जाकर पिछले 3 से अपना बहुमूल्य समय दान कर निःशुल्क योग ग्रुप चला रहे हैं। अध्यक्ष विलास घाड़ी ने आदर्श नगर राम कॉलोनी के सदस्यों से इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जोशी, उपाध्यक्ष वासुदेव इनामदार, कोषाध्यक्ष बाबूराव घोरपड़े मौजूद रहे। बुद्ध मंदिर को गिराने के लिए नगर निगम को दलित संगठनों का विरोध। एक घटना तब हुई जब विश्वेश्वरा नगर की आदर्श कॉलोनी में बुद्ध मंदिर को गिराने के लिए विभिन्न दलित संगठनों ने एक घटना तब हुई जब विश्वेश्वरा नगर की आदर्श कॉलोनी में बुद्ध मंदिर को गिराने के लिए विभिन्न दलित संगठनों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ आक्रामक रूख अख्तियार किया। बेलगाम के विश्वेश्वरा नगर में आदर्श कॉलोनी में खुली जगह में एक पुराना छोटा बुद्ध मंदिर है। बुद्ध जयंती, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और अन्य गतिविधियाँ यहाँ आयोजित की जाती है। हालांकि बेलगाम नगर निगम के अधिकारियों ने आज सुबह जेसीपी के साथ बुद्ध मंदिर को गिराने के लिए वहां प्रवेश किया, यह कहते हुए कि यह स्थान नगर निगम का है। इसकी सूचना मिलने पर दलित नेता मल्लेश चौगुले के नेतृत्व में विभिन्न दलित संगठनों के प्रतिनिधि वहां पहुंचे। उन्होंने यह कहते हुए कि यह स्थान बुद्ध मंदिर का है, इसका कड़ा विरोध किया। दलित संगठनों के प्रतिनिधियों के विरोध को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने मंदिर को हटाने की प्रतिक्रिया रोक दी। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय महामार्ग पर हलगा गांव के समीप शुक्रवार की दोपहर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त दुर्घटना में दुपहिया वाहन सवार मोटरसाइकिल सवार के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए तत्काल सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हादसा होते ही अज्ञात चालक मौके से फरार हो गया। बाइक सवार को लगी चोट इतनी गंभीर थी कि दुर्घटना स्थल पर खून ही खून जमा हो गया था। देखने वालों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। महिला पहलवानों के आंदोलन को प्रगतिशील लेखक संघ का समर्थन।
वैश्विक स्तर पर महिला पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में पिछले एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में धरना दिया जा रहा है। यह आंदोलन प्रोग्रेसिव राइटर्स यूनियन और साम्यवादी परिवार बेलगाम के संघ द्वारा समर्थन दिखाया गया था। इस संबंध में शुक्रवार 2 को शाम शहीद भगत सिंह हॉल में हुई बैठक में सविस्तर चर्चा हुई। साथ ही मुख्य आरोपी सांसद बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। इसके लिए बेलगाम समाहरणालय के माध्यम से राष्ट्रपति को बयान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार रखे। प्रोफेसर आनंद मेन्से, एडवोकेट नागेश सातेरी, सुभाष ओवलकर, कॉमरेड अनिल अजगावकर, अर्जुन सावगावकर, महेश राउत, कॉमरेड कृष्णा शाहपुरकर, सागर मार्गना के संदीप मुदगेकर, एडवोकेट अजय सातेरी, श्रीमती शिवलीला मिसाळे, प्रल्हाद पाटील, संजय सातेरी, मयूर नागेनट्टी, इनायत शिरकोली, प्रकाश देसाई, भाऊराव काकर, सुभाष ओवलकर आदि इस समय उपस्थित थे। राज्यपाल गहलोत सोमवार को बेलगाम में केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च का 13वां दीक्षांत समारोह सोमवार को दोपहर 12 बजे जेएनएमसी कॉलेज परिसर के सेंटेनरी हॉल में होगा। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अध्यक्षता प्रभाकर कोरे करेंगे। डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण और संबंधित डिग्री और स्नातक प्रमाण पत्र के मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को स्नातक दिया जाएगा। कुल 1451 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।